गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई व्लॉग्स। आज हमारे पास एक और गाड़ी आई है, क्रेटा ई वेरियंट। इसमें हमें काम करना है, तो ये आप देख सकते हैं ई वेरियंट कार है। इसमें हमें नीचे फॉग लाइट भी लगानी है, अंदर एंड्रॉयड भी लगाना है, साइड बीडिंग लगानी है, लोअर गार्निश लगाना है। आप देख सकते हैं अंदर इसमें डमी है, वहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल भी नहीं है। तो वीडियो में आप बने रहें एंड तक, हम आपको दिखाएंगे सारी इंस्टॉलेशन, स्पीकर वगैरह की भी, और कबलर टू कबलर सारा वर्क दिखाएंगे आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं बम्पर हो गया है रिमूव, अंदर का भी काम हो गया है स्टार्ट, ये आप देख सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं डैम्पिंग का काम चल रहा है, स्पीकर्स लगने अब उस साइड का लग गया है और यहाँ से लग रहे हैं, और यहाँ का भी खोल रहा भैया। और पीछे भी आप देख सकते हैं काम हुआ है स्टार्ट, पहले डैम्पिंग वगैरह होगी, और यहाँ से भी बोर्ड खुल गया है। इसमें पीछे कैमरा भी लगाना है, आपको दिखाऊंगा आगे फॉग लैंप जो हमने लगाए वो आपको दिखाऊंगा बम्पर में लग के कैसे लगता है। तो गए तो आप देख सकते हैं हमने इसमें इंडिकेटर रिमूव कर लिया जो कंपनी से लग के आता है, और हमने इसमें फॉग लाइट लगाई है हुंडई जर्मन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया आगे बम्पर का, और साथ ही साथ हमने इसमें ये वाला पार्ट एयर स्कूप ये भी हुंडई का लगाया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है, और साथ ही साथ हम इसमें ये ग्रिल भी चेंज करेंगे, आरएस ग्रिल लगाएंगे, और ये रहा राइट साइड का फॉग। कितनी परफेक्शन से काम हुआ वो आप खुद ही चेक कर सकते हो। हमने इसमें कंपनी की बेस मॉडल वाली ग्रिल रिमूव कर ली है, ये रहा इसका बम्पर और ये रही इसकी आरएस ग्रिल। आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा लुक आएगा गाड़ी में जब ये लगेगी। आप देख सकते हैं साइड में इसमें क्रोम है और बीच में ये हेक्सागन स्टाइल है। तो पहले करते हैं फिट, फिर आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। शायद आप देख सकते हैं ग्रिल भी हो गई है कंप्लीट फिट, और फॉग भी हो गया है फिट। आप देख सकते हैं गाड़ी का कितना अच्छा लुक आया है। अभी हम गाड़ी पे इसको चढ़ाएंगे, तो वहाँ से भी काम चल रहा है, साथ ही साथ हम इसमें मिरर फोल्डिंग भी करेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगाएंगे। तो वीडियो आप देख लेना एंड तक, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंप इसमें आता है ये वाला आता है नॉर्मल, जो कि वॉर्म कलर का होता है। हमने इसमें LED अपग्रेड करी है जो कि 64 वॉट है, मैक्सलिंग कंपनी की है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो लाइट का आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, और हमने इसमें वायरिंग भी डाली है फॉग लाइट की, वो आप चेक कर सकते हैं विद प्रॉपर रिले के साथ लगाई है। कपलर टू कपलर सारा काम इसमें होगा। तो गाइस हमने इसमें बेसिक मॉडल वाले शीशे रिमूव कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डंडी वाले होते हैं, ये आप देख सकते हैं नॉन एडजस्टेबल, और हमने इसमें लगाए हैं टॉप मॉडल वाले, ये आप देख सकते हैं, जो कि एडजस्ट मोटराइज्ड होंगे। साथ ही साथ इसमें इंडिकेटर भी आता है, ये बिना इंडिकेटर का होता है, तो इसको भी हम ऑन करके आपको दिखाएंगे, और आपको दिखाऊंगा हमने इसमें लोअर गार्निश लगाई है, ये आप देख सकते हैं, रूफ रेल भी लगाई है, और यहाँ से पार्सल ट्रे भी लगाई है जो कि हुंडई जेन्युइन है, और यहाँ से वायरिंग चल रहा है अंदर से काम, तो आपको दिखाऊँगा डैम्पिंग। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं नीड फॉर स्पीड की डैम्पिंग हुई है, एक एक मोल्ड आप चेक कर सकते हो, एक आप फिनिशिंग प्रॉपर चेक कर सकते हो हमने कितना अच्छा काम किया है। तो बाकी का वायरिंग का इंस्टॉलेशन भी चल रहा है। साथ आप देख सकते हैं हम इसमें लगा रहे हैं अंदर से सनग्लास होल्डर, यह आप देख सकते हैं जो कि हुंडई जेन्युइन है, यह आप देख सकते हैं बेजिंग हुंडई किया, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्किंग में है ये, और कपलर टू कपर भी इसको हम वायरिंग के साथ बंद करेंगे। गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं मिरर फोल्डिंग हमने लगा ली है, ये आप देख सकते हैं जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हमने इसमें प्रॉपर कपलर टू कपर काम किया, आप देख सकते हैं हमने कपलर निकाला है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कपलर टू कपर फिटिंग होगी। जो सैश है ये बेसिक मॉडल में लग के आता है जो डंडी वाले होते हैं, और ये रहा टॉप मॉडल का, आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ट्विटर भी साथ देती है जो कि बोस का लगा होता है। तो भी करते हैं सेटअप स्टार्ट म्यूज़िक का, तो अब आपको दिखाएंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स। गाइस फाइनली गाड़ी हो गई है रेडी, आप देख सकते हैं आगे का कितना अच्छा लुक हो गया है। नीचे में हमने इसमें LED अपग्रेड करी है, और ये रही इसकी RS ग्रिल, तो आपको दिखाऊँगा लॉक अनलॉक, और हमने जो इसमें शीशे लगाए थे जिसमें इंडिकेटर आता है, और फेंडर में हमने इसमें इंडिकेटर हटाकर ये वाले वेंट लगाए हैं क्रोम विद ब्लैक, और साथ ही साथ हमने इसमें ये लोअर गार्निश भी लगाया है, ये रूफ रेल भी लगाई है जो कि ड्यूअल कलर है, टॉप मॉडल में लग के ऐसी आती है, अंदर से ब्लैक बाहर से सिल्वर। और पीछे में आपको दिखाऊंगा कैमरा की फिटिंग,
ये रहा इसका कैमरा जो कि प्रॉपर OEM टाइप लगाया हमने। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं हमने इसमें सनग्लास होल्डर भी लगाया, ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्क भी करेगा। ये रहा इसका स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि हमने इसमें लगाया है प्रॉपर वर्किंग फंक्शन में। क्रूज कंट्रोल भी हमने इसमें लगाया है, एंड्रॉयड भी लगाया हमने इसे, मैक्सिंग कंपनी का 2GB 32GB विद एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो। और आपको दिखाऊंगा मिरर फोल्डिंग। गाड़ी करता हूं मैं लॉक, तो गाड़ी करूंगा पहले लॉक। आप देख सकते हैं शीशे मुड़ गए। गाड़ी करता हूं अनलॉक। मैंने हमने पैडल लाइट भी ऑन करी है, ये आप देख सकते हैं नीचे से पैडल लाइट ऑन है। जैसे ही लॉक करेंगे पैडल लाइट भी ऑफ हो जाएगी, अनलॉक करेंगे पैडल लाइट भी ऑन हो जाएगी। आपको दूर से भी दिखा रहा हूँ, लॉक अनलॉक। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई व्लॉग्स।